बीवीजी को यहां पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब हेरिटेज निगम सफाई व्यवस्था को संभाल रहा है। व्यवस्था को लेकर मेयर, आयुक्त, उपायुक्त आज शहर की सड़कों पर सुबह से ही चार दीवारी में लगातार निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन अधिकतर सफाई कर्मचारी नदारद मिले थे। रजिस्टर में हाजिरी लगाकर फील्ड से जो कर्मचारी थे वो गायब हो जाते थे। अनुपस्थित कर्मचारियों की यहां पर सैलरी भी काटी जाएगी। मेयर मुनेश गुर्जर ने कहा है, आज पहला दिन है लेकिन हम शहर में सफाई व्यवस्था को आने वाले दिनों में और भी बेहतर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, कह सकते हैं कि पिछले काफी दिनों से लगातार अल्टीमेटम भी यहां पर बीवीजी कंपनी को दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बीवीजी कंपनी की ओर से इसे सीरियस नहीं लिया गया और फाइनली आज बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जियाउद्दीन जी हाँ, देखिएगा फाइनली आज बाहर का रास्ता बीवीजी कंपनी को हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र से दिखा दिया गया है। चूंकि पूरी जो व्यवस्था है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो या शहर की सफाई व्यवस्था का पूरा जिम्मा पूरी तरह से नगर निगम हेरिटेज के ऊपर आ गया है और यही नतीजा रहा कि हेरिटेज नगर निगम के तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनके अवकाश कैंसिल कर दिए गए थे। निगम आयुक्त अवधेश मीणा की ओर से, खुद निगम आयुक्त अवधेश मीणा, मेयर मुनेश गुर्जर और तमाम डीसी अपने अपने जोनों के अंदर दौरे कर रहे थे और लगातार ये कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज पहले दिन जैसे ही निगम के पास के अंदर ये जिम्मेदारी आई तो कई कर्मचारी ऐसे थे जो हाजिरी लगाकर रजिस्टर के अंदर उपस्थिति दर्ज करवा के मौके से नदारद हो गए थे। क्योंकि जब रजिस्ट्री जो हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया तो उसके अंदर प्रेजेंट थी लेकिन मौके के ऊपर वो एब्सेंट थे। ऐसे के अंदर मुनेश गुर्जर ने निर्देश दिए कि जो कर्मचारी अनुपस्थित है उनकी सैलरी काटी जाएगी। क्योंकि यही वो कर्मचारी थे जो पिछले कई दिनों से बीवीजी कंपनी से मिली भगत करके लगातार शहर की जो सफाई व्यवस्था थे उसके अंदर लापरवाही बरत रहे थे और यही नतीजा रहा कि बीवीजी कंपनी की वजह से शहर के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर थे और अब निगम के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। क्योंकि स्वच्छता जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अंदर जयपुर हेरिटेज नगर निगम काफी पिछड़ गया था और अब ये है कि इस हेरिटेज का जो लुक है उसको बनाए रखने के लिए और साफ तौर पे जो यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था है उसको बेहतर करने के अंदर निगम किस तरह के आने वाले टाइम में कदम उठाता है। ठीक है, ठीक है जी। आउदिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।